हेलो फ्रेंड्स सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे समझे तो चलिए देखिए कल का मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। फ्रेंड्स कल हमने डिस्कशन किया था कि अभी हमारा मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, लेकिन आज हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही एक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश मार्केट देखने के लिए मिला है। अब इसके पीछे का रीज़न ही चाहे जो भी हो या न्यूज़ चाहे जो भी हो, हमें हमेशा प्राइस को फॉलो करने के लिए ही कोशिश करना चाहिए। इनके ऊपर हमें कहीं पे एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। SL यहाँ कहीं पे होगा और इस कैंडल के ही हाई पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। 1:2 का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन आज हमें इस स्विंग के ऊपर एंट्री मिली ही नहीं। जब तक ये स्विंग दोस्तों ये टेकन आउट नहीं होती है तब तक अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा वॉचआउट करेंगे। प्राइस एक्शन बन के सिराए फर्स्ट 15 मिनट के अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल भी देखने के लिए मिल गई थी। जो लोग भी इनसाइड कैंडल के अंदर ट्रेड करते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जल्द ही आने वाले समय में। इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी और प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा नीचे के साइड ही बिल्ड हो रहा था। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी बाइंग साइड में लिया हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा अर्ली एंट्री लेता हूँ और अर्ली एंट्री की वजह से आज मेरा थोड़ा एक दो बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। अभी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। और कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट सीरीज चालू होता है एक्सपायरी का, देखते हैं कल का मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात एक ये बन जाती है कि नीचे के साइड में एक हमें ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल गई है और ऊपर के साइड से भी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो कल हमें पहले वेट करना पड़ेगा, हो सकता है फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें कुछ देखने के लिए ना मिले, लेकिन कल अगर मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट करता है क्लियरली हम लोग उस साइड का ट्रेड लेंगे। ट्रेड इनिशिएट क्योंकि कल मार्केट फ्लैट खुल करके थोड़ा सा ऊपर में निकल रहा है और इस स्विंग के ऊपर हमें क्लोज देखने के लिए मिल जाता है, तो फिर हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो 38,100 के आसपास कहीं पे आता है, क्योंकि आज भी यहीं से शार्प सेलिंग आई थी। तो कल यहाँ पे मार्केट पहुंच जाएगा और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। 1:2 का हम लोग प्लान करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कल फ्राइडे है तो हम लोग को 60-80 रुपीज़ का SL देना पड़ सकता है अपने स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर कल सपोज कर लीजिए कि मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ब्रेकडाउन देने के साथ ही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे नीचे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। शॉर्ट के लिए प्लान करने के साथ ही हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम आज के ही डे में बहुत ही शार्प बाइंग हाई है। तो यहाँ कहीं पर 37,250 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सिमिलर टू बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, निफ्टी में भी आज हमें सेम स्टोरी देखने के लिए मिल जाती है। अभी नीचे यहाँ पे भी हम एक बार देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। अब कल हमें देखना ये पड़ेगा कि कल मार्केट जो है किस साइड ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर कल सपोज कर लीजिए मार्केट इस साइड आता है, नीचे के साइड आता है, तो इस पे हमें एक क्लियर ब्रेकआउट दिखना चाहिए। ऐसा होना हो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर ले, अर्ली एंट्री लेने के बाद से क्योंकि एक अभी ट्रेंड लाइन है, अभी ये ब्रेक हुई नहीं है, वापस से मार्केट घूम जाए आपका एक दोबारा से SL हिट हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक बार देखने के लिए बात ये बन जाती है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग अभी सपोर्ट एरिया बना हुआ है। यहाँ पे कई बार निफ्टी जो आया है उसको टच किया है, तुरंत ऊपर चला गया, जैसे ही टच किया ऊपर चला गया, आज फिर जब इसने टच किया था ऊपर चला गया। तो अगर जब भी इस लेवल्स के नीचे एक बार ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिलता है तो हमें एक शार्प मोमेंटम नीचे के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट चाहे बुल रन में हो चाहे बियर रन में हो, वो हमें केयर नहीं करना पड़ेगा। अगर जब भी कोई सपोर्ट होता है या कोई भी रेजिस्टेंस होता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है, तो वो एक बार वीक बनते जाता है। जैसे ही उसके नीचे ब्रेकआउट आता है हमें एक पोजीशन बना लेनी चाहिए। अभी वो डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके इस स्विंग के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक पॉजिटिव कैंडल देख करके हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है कैंडल के हाई पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल करके आ जाता है 17,485 से लेकर के 17,516 तक आ जाता है। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि 17,500 के आसपास आप कहीं पे अपना 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो। रेस्ट हम लोग फिर चेक करेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है, अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। कल अगर सपोज कर लीजिए कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद से ये जो लास्ट स्विंग यहाँ पे कुछ बनी हुई है हमारे पास, अगर इसके नीचे एक क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के साथ ही हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के साथ ही हमारे जो फर्स्ट टारगेट निकल करके आता है 17,160 के लेवल्स के आसपास आता है। अगर कल मार्केट गलती से थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है तो आज का ये जो रैली हुई है इसको हम लोग एक करेक्शन कंसिडर करेंगे और मार्केट को फिर से हम लोग बुल रन के ही तरह ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कल अगर सपोज कर लीजिए कि मार्केट 17,516 के आसपास पे कहीं खुल जाता है या इसके थोड़ा सा ऊपर खुल जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है। सपोज कर लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पे खुला, यहाँ से खुलने के बाद अगर डायरेक्ट प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जा रहा है, वेल एंड गुड, हम लोग यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी रिलीज कर देंगे मार्केट के अंदर और एक टारगेट हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे। सपोज कर लीजिए अगर मार्केट कल यहाँ सपोज कर लीजिए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद से थोड़ा सा नीचे आया तो फ्रेंड्स यहाँ से आज शार्प सेलिंग आई थी। शार्प सेलिंग के आने के बाद से अगर मार्केट इसको गैप अप खुल जा रहा है तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, ये गैप एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और फिर मार्केट यहाँ से टर्न आउट हो सकता है। तो अगर नीचे आ रहा है हम लोग इमीडिएट ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग को अच्छा ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ कहीं किसी लेवल्स पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिल जाती है तो इसी कैंडल के हाई पे हम लोग ट्रेड लेंगे अपना। इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा SL हो जाएगा और जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो 17,650 के आसपास कहीं पे आता है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे।
आज जिन भी लोगों का यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एसएल हैवी क्वांटिटी में गया है, आप परेशान मत होइएगा। मुझे पता है कि कई लोगों ने आज मार्केट को एज अ बुलिश रन के लिए ट्रेड किया होगा, लेकिन मार्केट इज गोइंग टू बी फॉर एवर। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके कंट्रोल में है, तो आपको कभी मार्केट बीट कर नहीं सकता है इस मार्केट के गेम में। हमेशा कंट्रोल करिए अपने ग्रीड को, हमेशा कंट्रोल करिए अपने फियर को। इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू।